नमस्कार, वंदे मातरम। पहले हर जगह व्यायामशाला थी, आजकल हर जगह पर स्पा सेंटर खुले हैं। समय समय का काम करता रहता है, शासक और लोग बदलते रहते हैं। एक दिन काठियावाड़ में राजा सही थी, तब व्यायाम प्रवृत्ति इतनी अच्छी तरह से चल रही थी कि न पूछिए बात। सब बड़े बड़े महाराजाओं ने व्यायाम को बड़ा महत्व देकर उस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया था। आजकल मुझे व्यायामशाला और हर बड़े शहरों में खुल गए स्पा सेंटरों की यह व्यायामशाला के साथ तुलना करनी है। यहाँ लोग अपना शरीर बनाने के लिए आते थे और स्पा में लोग आराम फरमाने, थकान दूर करने के लिए आते हैं। वहां खुद आदमी शरीर को कष्ट देता था, यहां कोई और कष्ट देकर सामने वाला की थकान या टेंशन दूर करते हैं। इतना समय बदल गया है, जैसे जैसे समय आगे चलता है लोगों के हाथ में पैसा आता है, आराम ज्यादा करने लगता है, तब ऐसा परिवर्तन आता है। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। मुझे आज आपको स्पा के बारे में नहीं, लेकिन आजादी के पहले जो व्यायामशालाएं चलती थी उसकी बातें बतानी है। काठियावाड़ में भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, माणावदर, चोरवाड़, सावरकुंडला, महुआ, ये सब जगह पर व्यायाम प्रवृत्ति बहुत अच्छी तरह चलती थी। राजाओं की बड़ी मेहरबानी और प्रोत्साहन से चलती थी। माणावदर के अंतिम शासक गुलाम मोहिउद्दीन खानजी ने पहलवानों की एक बड़ी टीम बना रखी थी। चोरवाड़ में अच्छी तरह व्यायाम प्रवृत्ति चलती थी। चोरवाड़ के लिए कहा जाता था, चोरवाड़ सम गाम नहीं, नहीं सौरठ सम धाम। चोरवाड़ के हवा पानी अच्छे थे, आदमी वहां रहता तो उसकी सेहत अच्छी हो जाती थी। उसके लिए कहा जाता था, पान पपैया पाकता, पावन पानी नी लहर, कोयलड़ी जहां टहुकती, कुदरत नी जहां महर। चोरवाड़ की जमीन में ज्यादा पत्थर होने से वहां भेज कम रहता था। यह व्यायामशाला में से आदमी शरीर अच्छा बना सकता था। भातृभाव और सेवा भाव, राष्ट्रीय भावना और नागरिकत्व का विकास कर सकता था। उस जमाने में युवाओं को शारीरिक और नैतिक, मानसिक तीनों किस्म की शिक्षा दी जाती थी। अच्छा व्यायाम शिक्षक के बिना कभी भी हम खेल दिल इंसान और भातृभाव नहीं सिखा सकते। लेकिन आजकल ज्यादा स्कूलों में व्यायाम शिक्षक ही नहीं है। राजकोट रियासत में बच्चों को लश्करी तालीम दी जाती थी और गोबलर्स की प्रवृत्ति अच्छी तरह चलती थी। गोबलर्स का अर्थ है वॉलेंटरी मिलिट्री ट्रेनिंग। आजकल हम प्रमादी और ज्यादा ऊंघने वाले शांति प्रिय बन गए हैं। हम स्वरक्षण और शरीर का ख्याल रखने का भूल गए हैं। हम तो औरों की बात और औरों का सुरातन देखकर चलने वाले शायद आज बन गए हैं। इसलिए अपनी अस्मिता को खो बैठे हैं। स्वमान की भावना चली गई है। स्वमान के बिना मनुष्य का जीवन कैसा होगा वह आप कल्पना कर सकते हो। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव ने अपनी बाल्यावस्था में ही व्यायाम के सभी पाठ सीख लिया था, इसलिए महाराजा में ज्यादा खेल लीली के गुण आए थे। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव के राज्य में राजरत्न माणिक राव, जो बहुत बड़ा यह व्यायाम शाला के तालीम देने वाला महागुरु आदमी था। भावनगर, चोरवाड़, राजकोट, सावरकुंडला, सोनगढ़, महुआ, यह सब जगह व्यायामशाला में बच्चों को सब किस्म की कसरत और
अंग दाव सिखाया जाता था। जब कोई आर्य कन्या व्यायामशाला से लाठी लेकर निकलती और अपना कौवत दिखाती, तब हमें झांसी की रानी की याद आ जाती थी। आजकल कोई लड़की इतनी हिम्मतवान और साहस वाली व्यायाम की शिक्षा के बिना बहुत नहीं बनती, ये हम जानते हैं। काठियावाड़ में काठियावाड़ व्यायाम प्रचारक मंडल चलता था। उसके दो प्रमुख रहे थे, एक प्रमुख सरदार सिंह गोहिल और दूसरा श्री बाउद्दीन भाई उस्मान भाई शेख। आप जूनागढ़ के वजीर बाउद्दीन भाई को मत समझ लेना। 3 साल का व्यायाम प्रचारक मंडल का अभ्यासक्रम चलता था। उसमें फिजियोथेरापी और एनाटॉमी का भी ज्ञान दिया जाता था। मालिश कैसे किया जाता था वह सिखाया जाता था। जो लड़का 3 साल का व्यायाम प्रचारक मंडल का अभ्यासक्रम पूरा करता था, वो अपनी जिंदगी में तो सफल हो जाता था, लेकिन दूसरों की जिंदगी को भी वो सोने जैसी बनाता था। हर छात्रालय का गृहपति को भी व्यायाम की तालीम दी जाती थी, इसलिए वह अच्छा और खेल दिली वाला आदमी गृहपति बन जाता था। सब व्यायामशाला में खिलाड़ी को कैसा खुराक लेना चाहिए वह भी सिखाया जाता था। खिलाड़ी लोग ठंडाई, खजूर का शरबत, तुलसी का शरबत, फालसा का शरबत, केवड़ा का शरबत, गुड़ का शरबत, लस्सी, अंजीर, खारे, दूध, वो सब लिया करते थे। आज सोचिए, आजकल हम क्या खाया पीते करते हैं। हम तो आजकल पेप्सी पीते हैं, थम्सअप पीते हैं, गुड़ की तो बात ही मत छोड़ो। इसलिए हमारी सेहत कैसी रहेगी ये हम जान सकते हैं। हमें इतिहास में से कुछ सीखना है तो हमें यह सीखना चाहिए कि हमारे पूर्वज पहले कैसे थे, आजकल हम कैसे हैं, उसकी खुराक रहन सहन कैसी थी, आजकल हम क्या कर रहे हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि आपको अच्छी अच्छी जो आजकल सुविधा हो गई है उसका लाभ नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि समय के मुताबिक हमने जो जिंदगी जीना शुरू किया है उसमें कुछ न कुछ बातें का ख्याल रखना जरूरी है। आखिर में मुझे इतना कहना है, जितनी हम व्यायाम और खेल कूद की अच्छी व्यवस्था करेंगे, इतना भारत के नौजवान लड़के लड़की हमारी शोभा बढ़ाएंगे। इसलिए हमारी सरकार खेल महाकुंभ का आयोजन कर रही है और भी कुछ करने की हर स्कूलों में जरूरत है। आपकी मर्जी, आपके नौजवानों को स्पा में भेजना है या व्यायामशाला में। जितना नौजवान लड़के व्यायामशाला में जाएंगे, वहां तालीम लेंगे, अपना शरीर बनाएंगे, उसमें और ज्यादा ज्यादा गुण आरोपित करेंगे, तब हमको अच्छा इंसान मिल सकता है। यह इतिहास में से देखने से हमें पता चलता है कि राजा महाराजा ने इतनी अच्छी व्यायामशाला की व्यवस्था कर रखी थी।